हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे गोल्डी मीट मसाला पैकेट से टेस्टी मटन करी की रेसिपी। ये मटन करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से इस मसाले से टेस्टी मटन करी बनाएंगे तो सभी आपकी इस मटन करी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये मटन करी की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे गोल्डी का मीट मटन मसाले का ये पैकेट। ये 50 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 41 रुपए है। तो चलिए फिर देखते हैं इस पैकेट से टेस्टी मटन करी कैसे बना सकते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पर मटन लिया है, जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इसको हमें सबसे पहले मैरिनेट करना है। उसके लिए 150 ग्राम इसमें दही ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मटन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से मटन करी बनाएंगे तो ये मटन करी आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मटन को सेट होने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद एक कुकर में 50 ml तेल गरम कर लेंगे और इसमें 2 तेज़पत्ते, 4-5 लौंग और 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 5 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से चॉप करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके, अब इसमें मैरिनेट किया हुआ सारा मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम हाई कर देना। हाई फ्लेम पर मटन को 6-7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 7 मिनट हो चुके, ये देखिए मटन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें पानी भी काफ़ी अच्छे से छूटा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। गोल्डी मसाले के पैकेट को बाहर निकालेंगे और इस पैकेट को कट कर लेंगे। इससे हम यहाँ पर 5 टीस्पून मसाला ऐड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप 6 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 टीस्पून मसाला ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 0.5 टीस्पून से कम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मटन में मिक्स करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। पानी यहाँ पर मैं नहीं ऐड करूँगी, जितना पानी इसी में मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढककर 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए मसाले में मटन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें तेल भी काफ़ी अच्छे से छूट चुका है। तो इस तरह से मटन को मसालों में अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब मटन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 300 ml मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, क्योंकि मटन पहले भी फ्राई करने में काफ़ी अच्छे से पक चुका है। आप यहाँ पर नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर दें। मैंने 1.5 टीस्पून नमक पहले ही मैरिनेट करने में ऐड कर दिया था। आप कुकर की लीड लगाएंगे और 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 4 सीटी आने के बाद कुकर को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। मटन में इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही कम टाइम पर टेस्टी और गाढ़ी ग्रेवी वाला ये मटन करी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो सभी आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। तो चलिए फिर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए गोल्डी मीट मसाला पैकेट से टेस्टी मटन करी बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो आप इसे रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।